विगत 2-3 दिनों से दुर्ग शहर की लगभग 60-70% जनसंख्या को जल आपूर्ति से वंचित होना पड़ रहा है और ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है। दुर्ग शहर में हर सप्ताह इस समस्या से 2-4 होते देखा जा रहा है। स्थानीय जनता द्वारा प्रशासन और विधायक को कई बार शिकायत आवेदन किए जा चुके हैं, लेकिन ये समस्या आज तक नहीं सुलझी है। दुर्ग शहर पिछले 2-3 दिनों से जल आपूर्ति के लिए संकट में आया हुआ है। बहुत सारे मोहल्ले जैसे संतराबाड़ी, मानवी नगर, दीपक नगर, न्यू दीपक नगर, आशा नगर, सिंधी कॉलोनी, जवाहर चौक, ऐसे इत्यादि बहुत सारे मोहल्ले को जल आपूर्ति नहीं दी गई। लगभग 60-70% लोगों को जल आपूर्ति नहीं दी गई। इसका एक ही कारण है कि वो इंटेक वेल जो लगा हुआ है शिवनाथ नदी में, उसकी मोटर दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। उसको बदलने के लिए लगभग 2-3 महीने पहले ही फंड आ चुका था, लेकिन इन्होंने अभी तक बदली नहीं है और ये अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। इनको फुर्सत नहीं है अपने मंचमाला और माइक से, तभी तो ये जनता के बीच में जाके जनता की परेशानियां दूर नहीं कर पा रहे हैं। क्या जनता ने इसलिए आपको चुना था कि आप सिर्फ मंचमाला और माइक में अपना समय व्यतीत करें, अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगे रहें? क्या जनता ने इसलिए आपको चुना था कि आप अपने कर्तव्यों को का पालन न करें? क्या जनता ने इसलिए आपको चुना था कि अमृत मिशन का 140 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दिया हुआ है, उसके बाद भी अपना आप काम नहीं कर पा रहे? क्या जनता ने इसलिए आपको चुना था कि तीन टंकियां बन चुकी हैं लेकिन उसमें भराव नहीं हो पा रहा है पानी का? क्या जनता ने इसलिए आपको चुना था कि आप अपने कर्तव्यों का निष्ठा से निष्ठापूर्वक काम नहीं कर पा रहे?